सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया के खिलाफ होने वाले लास्ट के दो ओडीआई मैचों के लिए न्यूजीलैंड का पूरा टीम स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, जो कि भारत के खिलाफ लगातार तीन ओडीआई मैच हारने के बाद न्यूजीलैंड का पूरा टीम स्क्वाड बदल गया है लास्ट के दो ओडीआई मैचों के लिए, और टीम में कई बड़े बदलाव हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में न्यूजीलैंड के पूरे कन्फर्म ओडीआई स्क्वाड के बारे में आपको बताने वाले हैं कि वो कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं न्यूजीलैंड के ओडीआई स्क्वाड में लास्ट के दो ओडीआई मैचों के लिए इंडिया के खिलाफ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड 2019, जो कि भारतीय टीम इस टाइम पर न्यूजीलैंड के दौरे पर है, जहां सबसे पहले पांच ओडीआई मैचों की सीरीज खेली जा रही है, और स्टार्टिंग के लगातार तीन ओडीआई मैचों में शर्मनाक हारने के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने लास्ट के दो ओडीआई मैचों के लिए पूरा टीम बदल दिया है। दोस्तों, अगर हम बात करें लास्ट के दो ओडीआई मैचों के लिए, तो न्यूजीलैंड की टीम से इस सोधी और डग ब्रेसवेल को टीम से बाहर कर दिया है, यानी कि ये दोनों ही खिलाड़ी चौथे ओडीआई मैच और पांचवें ओडीआई मैच में न्यूजीलैंड की टीम में नहीं होंगे, और इन दोनों ही खिलाड़ियों की जगह पर टीम में नए चेहरों को शामिल किया गया है, जो कि जिमी निसाम और टॉड एस्टल चौथे और पांचवें ओडीआई मैच के लिए न्यूजीलैंड की टीम में शामिल हुए हैं, जो कि चौथा ओडीआई मैच इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच 31 जनवरी 2019 को खेला जाएगा हैमिल्टन के थ्रेडन पार्क के स्टेडियम में। तो इसके बाद पांचवा यानी कि आखिरी ओडीआई मैच 3 फरवरी 2019 को खेला जाएगा वेलिंगटन के वेस्ट पार्क स्टेडियम में। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में जबरदस्त परफॉर्मेंस करने के बाद एकमात्र T20 मैच में जिमी निसाम इंजर्ड हो गए थे, जो कि उन्हें हैमस्ट्रिंग हो गई थी, और इसी वजह से भारत के खिलाफ पहले तीन ओडीआई मैचों के लिए इन्हें टीम स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब चौथे और पांचवें ओडीआई मैच के लिए इन्हें टीम में शामिल कर लिया है। तो वहीं टॉड एस्टल हाल ही में घुटने की सर्जरी करवाकर लौटे हैं टीम में। तो गाइस, बिना देरी के वे चलिए बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के पूरे कन्फर्म ओडीआई स्क्वाड के बारे में चौथे और पांचवें ओडीआई मैच के लिए इंडिया के खिलाफ। तो ओडीआई स्क्वाड की बात करने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है नॉनस्टॉप प्रो ऐप ने, जो कि एक कमाल का ऐप है पावर्ड बाई पेटीएम, और इस ऐप में आप सभी लोग बड़े ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ इजी और सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर, जैसा कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी और कौन सी टीम कितना ज़्यादा रन बनाएगी, जो कि इसमें बिल्कुल केबीसी की तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी पैसे आप जीतेंगे 2 या 3 घंटे के अंदर अपने पेटीएम या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो कि खेलो, जीतो और पैसे कमाओ। तो गाइस, अब चलिए बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के पूरे कन्फर्म ओडीआई स्क्वाड के बारे में लास्ट के दो ओडीआई मैचों के लिए। तो कुछ इस तरह से है न्यूजीलैंड का स्क्वाड, जो कि केन विलियमसन कप्तान, टॉड एस्टले, ट्रेंट बोल्ट, कॉलिन डी ग्रेडहोम, लुकी फॉर्ग्यूसन, मार्टिन गप्टिल, मैट हेनरी, टॉम लेथम, कॉलिन मुनरो, जेम्स निसाम, हेनरी निकोलस, मिचेल सेटनर, टिम साउथी और रॉस टेलर शामिल हैं। दोस्तों, यह न्यूजीलैंड का पूरा कन्फर्म ओडीआई स्क्वाड लास्ट के दो ओडीआई मैचों के लिए भारत के खिलाफ। तो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने राय जरूर दें।